गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण कक्षा पांचवी पाठ संख्या 9 पृष्ठ संख्या है आपका बच्चों। हमने कल की कक्षा में पृष्ठ संख्या 47 में पहला हमने भेद गुणवाचक को हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरा भेद से स्टार्ट करेंगे संख्यावाचक विशेषण से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संख्यावाचक विशेषण। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वभौमिक विशेषण। तो आज हम दूसरे भेद के बारे में जानेंगे। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता प्रकट करता है करती है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा गया है स्टूडेंट? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रकट करता है, संख्या के बारे में हमें जानकारी देता है, तो उन्हें स्टूडेंट संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। पेड़ पर चार तोते हैं, तोता यहाँ पर स्टूडेंट संज्ञा है। ओके, तो उसकी संख्या को प्रकट कर रहा है, चार तोते हैं। ओके, तो चार यहाँ पर हमारा संख्यावाचक विशेषण है। कक्षा में कई बच्चे पढ़ रहे हैं, कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। कई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें उनकी संख्या के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें बताया गया कि संख्यावाचक विशेषण भी जो है दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद, पहला निश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। बच्चों आप सभी को उसके नाम से पता चल रहा है, निश्चित, जिसमें हमें निश्चित होता है। जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित व अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसमें हमें एग्जैक्ट बताया जाता है, जिसमें हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, वह हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे चार लड़कियां, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर बताया जा रहा है, चार, पांच गाय, दो बकरियां, पहली कक्षा। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे चार पांच दो पहली, ये हमारे सारे क्या है? निश्चित संख्या है। कि स्टूडेंट्स इसी कारण जो है हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है ये। संख्यावाचक क्या कहते हैं विशेषण के दूसरा भेद है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित नहीं होता है। जो विशेषण अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लड़कियां, अब हम इसमें पूरा नहीं पता कि दो, चार, हजार, दस या कितने, कुछ कुछ में कितने भी हो सकती है, निश्चित नहीं है। बहुत सी बकरियां, यहाँ पर बहुत सी निश्चित संकेत हमें नहीं दे रहे हैं। कई, कोई, कई गाय, कोई कक्षा, ये सभी जो है स्टूडेंट्स अनिश्चित हैं, हमें पूरा पूरा से पता नहीं चल रहा है, इसी कारण ये हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। ओके, तीसरा भेद है हमारे विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या माप की जानकारी प्राप्त हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे